अभी इसी वक्त उतर जाओ। सांप लेकर सबको डरा रहे हो? इसमें सांप नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। रुक जाओ, पहले चेक करने दो कि इसमें सांप है या नहीं। देखा, मैंने कहा था ना इसमें सांप नहीं है। लेकिन सांप गया कहाँ? वो बस में ही भाग गया। सब बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, फिर सांप को पकड़ेंगे। जिंटू जिंटू उठो उठो और सांप पकड़ो जल्दी, बस में एक सांप है। ओके बॉस। जिंटू तुम बाहर क्यों बीन बजा रहे हो? सांप को बस से बाहर निकाल रहा हूँ बॉस, वो बीन की आवाज सुन के बाहर आ जाएगा। बाहर ये सपेरा कहाँ से आ गया? बाहर भी सांप, अंदर भी सांप, अब कहाँ जाए? आलतू जलालतू, आए बला को टालतू, आलतू जलालतू, अब क्या होगा कोटालतू? इस तरह सांप को टोकरी में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है, आप उसे छोड़ दो। आपको कोई टोकरी में बंद करके रखेगा तो कैसा लगेगा? का चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, वो वीर का दोस्त कहाँ है? जिंटू का डुप्लीकेट। तुम मेरे साथ काम करोगे? हम रोज कई सांप पकड़ेंगे, हम लखपति बन जाएंगे। सांप या किसी भी जानवर को पकड़ना अच्छी बात नहीं। अरे चलो चलो, सब बस में बैठ जाओ, दिन भर यहीं नहीं रह सकते। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम जंगल में जाओ, अपने अपने घर। खदन गया सी खड़के लियांदा आलू, ओए बारह बरसी खदन गया सी खड़के लियांदा आलू, सारे लोग हट जाओ साडा भंगड़ा हो गया चालू। आहू 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 आहू। ए बंटी से पंगा लेगा ना तो बंटी तुम्हारी घंटी बजा देगा, टिंग टिंग टिंग। बंटी को सबक सिखाना ही होगा। ये क्या हुआ? टेंट कैसे गिर गया? सर, सर, सर। बंटी को थोड़ा और सबक सिखाना जरूरी है। वेलकम दोस्तों, पहले किसे खाऊं? तुमको, तुमको या तुमको? आज वीर को ऐसा डराऊंगा कि पूरा स्कूल उस पे हंसेगा। ये नहीं सुधरेगा, मेरा बस चले तो खुद भालू बनके इसको अच्छा सबक सिखाऊं। लो, तुम्हें मौका मिल गया। थैंक्स, ओह थैंक्स जिंटू, थैंक्स। Thank you.
मुझे डराने आया था और चुलबुल जिंटू उसे मजा चखा रहे हैं। मुझे उन दोनों को रोकना होगा। चैलेंज देता हूँ। मुझे तो शक है, इसी ने मेरी मम्मी की सोने की चेन निकाल ली। ये कोई कोट पहन के गायब हो जाता है और किसी को दिखता नहीं। दादाजी, मैं और जिंटू जाके उसकी पोल खोलते हैं। ठीक है, संभल कर रहना, वो जादूगर है, मामूली आदमी नहीं। ओके दादाजी। इमली, हम लोग उसके पास जादू सीखने के बहाने से जाएंगे। जब वो रोबोट यहाँ आए, तुम चुपचाप मुझे इशारा कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम आपसे जादू सीखना चाहते हैं। मेरा नाम वीर है और ये मेरे दोस्त इमली, जिंटू और चुलबुल। मैं किसी को जादू नहीं सिखाता। मैं तुम लोगों को तो सिखाऊंगा, लेकिन इस चुलबुले को नहीं। चुलबुल, तुम जा बाहर इंतजार करो। आओ मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। अभी तो शो शुरू हो रहा है, जितना कहूँ स्टेज पर उतना ही करना। जादू शो के बाद सिखाऊंगा। थैंक यू सर। तुम मेरे साथ स्टेज पे चलो। इमली, तुम और चिंटू स्टेज के पीछे रहो। ओके सर। मुझे स्टेज पे जाना है, मैं देखना चाहता हूँ वो क्या जादू करता है। ओके, तुम मेरा रूप लेकर स्टेज पे जाओ, मैं इमली के साथ अंदर जाके चोरी का सामान ढूंढता हूँ। अपनी ड्रेस अभी से बनवा ली। दोस्तों, कल यहाँ लोगों ने मुझे बहुत बदनाम किया है, इसलिए आज ये मेरा आखिरी शो है। आज के बाद यहाँ मैं कभी नहीं आऊंगा। आप लोगों की बातों पे मत जाओ, आप रोज यहाँ जादू दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। आसानी से नहीं मिलेगी, मुझे अपने रोबोटिक पावर्स यूज करनी पड़ेगी। एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। अब दादाजी से ही हिसाब किताब कर लो। चुलबुल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे पकड़ के ले आता हूँ। अरे चुलबुल, रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो तुम? ए तुच्छ इंसान, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि राजा का रास्ता नहीं रोकते? तुझे इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अरे तब दिना दिन छोड़ो और मुझे पकड़ो। ओके बॉस। अरे नीचे क्यों गिर रहे हैं? रुको रुको, सबके सामने हवा में मत रुको, नीचे लैंड करो। ओके बॉस, लैंड करता हूँ। अरे तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते। मैं आज से इस जंगल का राजा हूँ, किसी को कोई एतराज है? सलाम करो और जंगल में अनाउंस करो कि नए राजा आ गए हैं, सब आके उनका अभिनंदन करें। जिंटू जल्दी कुछ करो, उसको नॉर्मल करो। पहले मैं राजा साहब का अभिनंदन तो कर लूं। महाराज की जय हो। महाराज, हम जैसे तुच्छ गोरिल्ला की ये भेंट स्वीकार करो।
हम खुश हुए। आओ तुच्छ गोरिला, लाओ अपनी तुच्छ भेंट। मेरा मतलब है अपनी भेंट। कैसा लगा महाराज? अच्छा है। अगर इसमें 2-4 डायमंड भी लगवा देते तो और भी अच्छा लगता। कोई बात नहीं महाराज, ये देखिए मैं आपके लिए कुछ और भी लाया हूँ। ये दोनों बेवकूफ कौन है? महाराज ये दोनों आपके सेवादार हैं, आपकी सेवा करेंगे। चलो मेरे सेवको, मेरी सेवा करो और तुम सब जाओ मेरी प्रजा को कहो कि आके नए राजा को सलाम करके जाएं। ओ नहीं, वीर के सामने तो असली गोरिला है। क्या मस्ती कर रहे थे? चलो चलो चल के उसे घर ले चलो चलो। बलून अंकल, बलून दो, वो ग्रीन वाला, मुझे रेड वाला। चलो भागो, ये बलून बेचने के लिए नहीं है, भागो। वो बलून्स नहीं बेच रहा, फिर किस लिए आया है? कुछ तो अजीब है, देखो सब बलून्स नेट में बंद हैं। अरे हाँ, और देखो बलून्स के ऊपर क्या है? ये तो बॉम्ब जैसा कुछ लग रहा है। बॉम्ब? वो आदमी भी जाना पहचाना लग रहा है, पता करते हैं वो कौन है। आइस कैमरा ऑन, टेक फोटोग्राफ। आइस कैमरा ऑन, टेकिंग फोटोग्राफ। वर्चुअल स्क्रीन ऑन, मैच फोटोज। फोटोज मैच, टिम्बक्टू टिम्बक्टू। ओ तो टिम्बक्टू यहाँ कुछ गड़बड़ करने आया है, चलो पहले उसकी पोल खोलते हैं। भाग बेटा टिम्बक्टू, तेरी असलियत खुल गई है, मूंछ दाढ़ी सब उड़ गई है, भाग ले यहाँ से। मजा आ गया। इमली चुलबुल जल्दी से मेरे साथ आओ, कम फास्ट, हमें बॉम्ब डिफ्यूज करना होगा, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। ओए, ये बलून यहाँ कौन छोड़ गया है? किसके बलून है ये? जिसके हो वो ले जाए, वरना मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा। मोहल्ले वालों ध्यान से सुन लो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, फिर ये बलून अपने घर ले जाऊंगा। 1, 2, 3। अब ये सारे बलून्स मेरे हैं। चंदा अंकल। ये मैं उड़ क्यों रहा हूँ? हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। ये मिस्टर चड्डा अंकल को भी अभी बलून ड्राइविंग करनी थी क्या? इमली में अभी आया। हम मेहनत ही तो कर रहे हैं, 30 मील दूर से मोटरसाइकिल पे आना और ये अनाज उठाकर ले जाना बहुत मेहनत का काम ही है रे। वीर, जिंटू को बुलाओ और इन डाकुओं को भगाओ। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन, तक दिना दिन दिन। जिंटू वो देखो, डाकू लोग गांव वालों को डरा धमका रहे हैं। दादाजी अंदर चलिए प्लीज। दादाजी नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अन्याय सहना उतना ही गलत है जितना अन्याय करना। हम खुश हुए, अब दादाजी हमारी फिल्म का ट्रेलर देखेंगे और उसके बाद पूरी फिल्म।
चमत्कार कैसे हो रहा है? लगता है ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। और फायर करो, और फायर करो, मुझे लड्डू मिला है, मुझे संतरा चाहिए। और फायर करो, मुझे सेब और अमरूद चाहिए। अरे ये क्या जादू है रे? भागो! भगवान के वास्ते कुछ देर और फायरिंग करो, कल पूरन मासी का त्योहार है, कल के लिए फल का बंदोबस्त पूरा हो जाएगा। थैंक यू लल्लन डाकू जी। फिर आना। ये सब कैसे हो गया? यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अंकल, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कंपनी ने बच्चों के लिए कुछ नए हथियार ऐसे बनाए हैं कि जिसमें फायर करो तो ये सब चीजें निकलती हैं। हाँ, वीर ठीक कह रहा है, वो हथियार शादी ब्याह और त्योहारों में चलाने के लिए बने हैं। मैंने भी पढ़ा था। कमाल है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी चीज। लगता है लल्लन डाकू के हथियार किसी ने बदल दिए हैं। दादाजी, मैं और इमली गांव घूम के आते हैं। जाओ वीर, लल्लन डाकू मिले तो उससे थोड़ी मिठाइयाँ और ले आना। इमली, चलो गांव घूम के आते हैं। बुलबुल, और तेज, और तेज, हमें डाकुओं को पकड़ना है। अरे डोंकी हूँ, हॉर्स नहीं, जो और तेज चलूं। जिंटू, चुलबुल की स्पीड बढ़ाओ। अरे अरे, इतनी तेज नहीं, इतनी तेज नहीं, सुनो तो। अरे मेरे पैर दर्द हो रहे हैं।